नमस्कार दोस्तों, जानते हैं बॉलीवुड में वर्तमान के समय में सबसे अधिक अश्लील अभिनेत्री कौन है? यह सवाल आया, देखते हैं कुछ लोगों ने इसके उत्तर भी दिए। वैसे आप जानना चाहते हैं कि कौन सी महिला अभिनेता अभिनेत्री कैमरे के सामने सबसे ज्यादा गंदी भाषा का इस्तेमाल करती है, तो मेरा मानना होगा कि राखी सावंत को इसकी शीर्ष सूची में रखना होगा। अगर पहले कोई अभिनेत्री एक्सपोज करती थी या कुछ स्टीमी सीन्स देती थी, भले ही वह बात सीन हो, उसे अशिष्ट माना जाता था और बी ग्रेड मूवी उद्योग में सूचीबद्ध किया जाता था, जिससे उस फिल्म को नुकसान होने का खतरा रहता। भीड़ का एक बड़ा हिस्सा है जो मानता है कि स्क्रीन पर कम कपड़े पहनने से भी अश्लीलता फैलती है और युवा धारणाओं को खराब करती है। यही कारण है कि एक बॉलीवुड फिल्म में संवेदनाओं के अलावा एक और मापदंड, जिसके आधार पर फिल्मों को केवल वयस्कों की रेटिंग के लिए ए या उपयुक्त जो भी हो, वह है अभिनेत्रियों द्वारा किए गए त्वचा प्रदर्शन का दृश्य। हमारा मानना है कि एक छाप बनाने के लिए, एक बड़ा ब्रेक पाने के लिए, खबरों में बने रहने और प्रासंगिक बने रहने के लिए, दर्शकों के साथ साथ उन अभिनेताओं को भी प्रभावित करने के लिए जिन अभिनेताओं को बड़े बैनर की फिल्म आज मिल सकती है, यह उनके करियर के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। मल्लिका शेरावत, तनुश्री दत्ता जैसी अभिनेत्रियां जो बॉलीवुड में नई थी, क्रमशः मर्डर, आशिक बनाया आपने में उनके बिकनी और रोमांटिक दृश्यों के बाद स्टार बन गई। नेहा धूपिया अपनी पहली फिल्म कयामत में माधुरी दीक्षित ने अपने करियर की शुरुआत में बिकनी पहन रखी थी। असीमित सूची है और मैंने केवल उल्लेख किया यह यहाँ मुख्य धारा की अभिनेत्रियों के बारे में। कैटरीना कैफ जो अभी तक खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही थी, एक फिल्म बूम में अभिनय किया। उसने इस दृश्य के साथ हर किसी की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जहां गुलशन ग्रोवर बुरी तरह उसे घूर रहा है। अभिनेत्रियां जो अपने करियर में स्थिर हैं, वे भी बिकनी से परहेज नहीं करती। करीना कपूर ने इसे टसन और कंबक्त एक्स में किया था, हालांकि वह पहले ही सुपरस्टार थी। कैटरीना कैफ बिकनी में दिखी, ब्लैक एंड व्हाइट और ईस्टमैन कलर फिल्मों के दौर में भी नूतन, मुमताज जैसी अभिनेत्रियों ने स्टार स्थापित होने के बावजूद बिकनी पहनी। मुमताज फिल्म अपराध में फिरोज खान के साथ बीच पर बिकनी में नजर आई। पहले शर्मिला टैगोर, अब उनकी बेटी सोहा अली खान ने भी बिकनी पहना। चाहे वह अब दीपिका पादुकोण हो या प्रियंका चोपड़ा, वे अब भी बिकनी में दिखाई देती हैं। उन्हें भूमिकाएं पाने के लिए बिकनी में दिखावे की जरूरत नहीं होना चाहिए, अब यह अभिनेत्रियों के लिए एक जरूरी चीज है जो उनमें होनी चाहिए। आप इसे एक सादृश्य की मदद से समझ सकते हैं। यदि आप किसी एमएनसी या ऑडिट वित्त विभाग की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको ऑडिटिंग, बैलेंस शीट, काम करने वाले टूल्स, टैली आदि की जटिलताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। भारतीय फिल्मों में अभिनेत्रियों या नायिकाओं के लिए शायद ही पर्याप्त भूमिकाएं हों। बहुत कम फिल्में महिला केंद्रित हैं। इस प्रकार अभिनेत्रियों के लिए टोंड बॉडी होना और अच्छा दिखना अनिवार्य है। पहले अगर कोई एक्ट्रेस किसी सीन में छोटे कपड़े या बिकनी पहनती थी, वह सीन किसी फिल्म का यूएसपी बन जाता था। जब केबल टीवी नहीं होता था, उस बिकनी सीन को देखने के लिए लोग उस फिल्म को कई बार देखते थे। अब समय बदल गया है, बिकनी सीन अब कोई हॉट कवर नहीं रही, न ही इसे असली माना जाता है। शर्म, लाज, कहना, इन तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना। दोस्तों, कैसी लगी हमारी जानकारी? ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।